जहाँ एक तरफ हमने आपके 4 to 7 फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट की 12th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले ही हमने आपका 2:30 to 4 का भी स्लॉट लगाया है केवल एक उद्देश्य से कि 11th के जो टॉपिक्स हैं वो बढ़िया ढंग से आपके रिवाइज हो जाए। जब तक उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आप अप्रोच नहीं करेंगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपका वाकई में स्टैंडर्ड क्या है और आपको कितना कार्य करने की ज़रूरत है। 4 सितंबर के एग्ज़ाम से पहले हम आपको 6 UPSC के एग्ज़ाम कराएंगे, बिल्कुल डिट्टो पैटर्न पे बेस्ड होगा, एक इंच का डिफरेंस नहीं करेंगे। उसी तरह आप अप्लाई करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसके बाद क्रमशः आप आके UPSC के पैटर्न पे उसी एग्ज़ाम प्रोसेस को यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो करेंगे। अगर एक बार आप UPSC एग्ज़ाम क्रैक करते हो, टेलिंग ऑनेस्टली कि आपको लाइफ में दोबारा UPSC एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं कर पाएगा। अल्टीमेट बेटा आप समझो, किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ धोखा मत करना, ये लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। आपको मैं बता दूँ, अगर आपको लगता है कि क्लास में नहीं पूछने की इच्छा है तो प्लीज़ आप डाउट काउंटर पर आएँ, सुबह से शाम तक ओपन है, आइए इंडिविजुअल बैठिए। हम तो ऐसा नहीं चाहते ना कि हमारा कोई बच्चा ना हो यार, हम NDA के कितने लोग होंगे, गिन के 2000 लोग होंगे पूरे कैंपस में, 2000 सीट तो हम बना ही सकते हैं। एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए गुरु, हमारा धर्म है आपको आपके सच को बताना, उस सच को कबूल करके उसमें क्या कमियां हैं आपको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बावजूद हम आपको मॉक टेस्ट से रूबरू करा रहे हैं और उस मॉक टेस्ट का नेक्स्ट डे हम वीडियो सॉल्यूशन डालते हैं इधर, पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो 120 क्वेश्चंस रहे जो आपसे नहीं हो पाए एग्जैक्टली, जो पेपर दे के निकले हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस 15% आया है, 20% आया है, वो ठीक नहीं है यार, 50% के नीचे आशा मत करना भाई। हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हम चाहते हैं आपके डाउट्स का जवाब देना, हम चाहते हैं आपको मजबूत बनाना, बट आपके पास टाइम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट ही बदल दे रहे हो बिल्कुल। ठोक कर देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, आप केवल इतना जितना NDA का कलेक्शन इधर से दिया गया ना, केवल इतना किताब कंप्लीट कर लो, 100% क्वालिफाई हो, कोई रोक के दिखाए आपको, तक आप क्वेश्चन अप्रोच नहीं करोगे आप हमेशा खोखला रहोगे, मैं बता दे रहा हूँ पहले से आपको। फेज 2 के टेस्ट में बैठिए, आइए नापिए, उस OIR टेस्ट में बैठिए, OIR टेस्ट में बैठिए तो अपनी रैंक देखिए। BST के टेस्ट में जब आप स्टोरी राइटिंग करें, नरेशन करें, डिस्कशन करें, उसमें जाइए, बैठिए, अपनी क्षमता को आंकिए आप कहाँ हैं, और ये आपको ही करना पड़ेगा, यू डोंट हैव अनदर ऑप्शंस। बकायदे OIR टेस्ट होगा बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द SSB, ये आपका सब कुछ डिसाइड करता है बेटा। टिल कॉन्फ्रेंस आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि द ऑल बॉर्डर लाइन केसेस इन द फौज व्हेन दे आर गोइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस राउंड इन द SSB, जितने भी हमारे बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं बेटा, अगर वो क्लियर हुए हैं तो उसके पीछे केवल एक ही रीजन रहा है, उसका OIR रिपोर्ट, बिकॉज दैट शोज योर IQ स्टैंडर्ड। इफ IQ इज गुड तो फर्दर हम बाकी चीज़ों को ट्रेनेबल हैं वो हम सही कर सकते हैं आपके अंदर। देन यू विल प्रोसेस फॉर द PPDT राउंड, जहाँ आपको एक हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी बच्चा, यू नीड टू राइट अ प्रॉपर स्टोरी ऑन दैट, फिर यू नीड टू नरेट दैट स्टोरी एंड यू नीड टू डिस्कस इन अ ग्रुप, तो यू गेट ऑल फीडबैक एंड रिजल्ट देयर। तो प्लीज़ इस फर्स्ट मे वाले में अप्लाई करिए, मे में आपके जहाँ एक तरफ रिजल्ट आपके सामने बोर्ड का होगा जिसमें आप एक अच्छे परसेंटेज ला रहे होंगे, तो वहीं आपके हाथ में NDA का ज्वाइनिंग लेटर भी होगा जो आपको जुलाई या जून लास्ट में पुणे खड़गवासला ले जा रहा होगा। तो ये आपके हाथ में है बेटा कि आखिर कौन सा रास्ता आप पकड़ते हैं, तो वो परफेक्ट कलेक्शन आपके पास है, जो है मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स हो या आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो, लेक्सिकन द वोकैब मास्टर कलेक्शन। और हम गर्व से कहते हैं कि 70-80% क्वेश्चन आस्क इन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस बुक। तो MKC क्लासरूम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे बच्चा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आप। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का शेड्यूल है 7 to 8, अच्छा शेड्यूल है, आइए कभी करिए, अच्छा लगेगा आपको। करंट अफेयर 10:45 AM to 11:30, लेटेस्ट प्रेप ऐप है, इसको भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना बच्चा। लाइफ इज टोटली डिफरेंट यार, ये फिल्म नहीं है सच्ची, जब आप फौज के ट्रेनिंग मॉड्यूल को देखेंगे तो लिटरली वो रगड़ा है यार। फादर बहुत गरीब, कैसे कैसे बच्चों का मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी केवल किसान हैं, सिंपल कुछ नहीं है, बट तब भी वो मैनेज करके यहाँ तक पहुँचाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा। तो शायद यही आशाएं आपसे भी हैं। तो रेडी हैं 4 सितंबर के लिए? Yes, sir! तो ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। दिस 4 सितंबर कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये 4 सितंबर आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलेगा अगर वाकई में कमाल हुआ तो। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि जो
ये एक साल दो साल, 11th वालों के लिए बिल्कुल दो साल होता है और 12th वालों के लिए एक साल कह सकते हैं। ये बहुत लाइफ चेंजिंग ईयर है। जितने भी दिन हैं ये हर दिन ऐसे हैं जो लाइफ के लिए आपके डिसाइडिंग हैं। और वाकई में उस शिद्दत के साथ प्रयास हो गया ना तो बहुत कुछ बदला जा सकता है और एक नया मार्का खड़ा किया जा सकता है। इस दौरान डाइवर्जेंस भी बहुत होंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होंगे और उसमें मज़ा भी बहुत आएगा। बट कहते हैं कि इस समय जो तपस्या के साथ खुद को मेंटेन कर ले गया, दैट्स क्रिएट द डिफरेंस। और एग्जैक्टली कोई प्रवचन देने नहीं आया हूँ, तो जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि बिल्कुल फोकस कर दो 100%। और 4 सितंबर को कमाल पहला आपको करके दिखाना है। और इसी तरह जो 11th वाले होंगे उनको 2023 के इसी सितंबर में फिर से कमाल करके दिखाना होगा। एंड आई थिंक सिनेरियो भी बदला है, चीज़ें बदली हैं, बिकॉज जिस तरह से 12th में बच्चे जितने टाइम से आप लोग फोकस स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण CBSE बोर्ड के लिए थोड़ा सा है इस बार, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम ये भी 17 मई तक चलना है, इट्स रियली चैलेंजिंग। और 12th की बात कर लें तो 7 जून तक शेड्यूल है, दैट मीन वो बच्चे चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उनके सामने बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ऑब्वियसली 17 मई को जैसे ही बच्चे 10th का एग्ज़ाम खत्म करेंगे वो तेज़ी के साथ बाउंस बैक करेंगे और एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ भिड़ेंगे नेक्स्ट ईयर के टारगेट के लिए। बट जो 12th का एस्पिरेंट है उसको मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबसे गोल्डन टाइम है। और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बैठने का समय नहीं, एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है जो आपके लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। जहाँ एक तरफ हमने आपके 4 to 7 फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट की 12th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पैरेलली हमने आपका 2:30 to 4 का भी स्लॉट लगाया है केवल एक उद्देश्य से कि 11th के जो टॉपिक्स हैं वो बढ़िया ढंग से आपके रिवाइज हो जाएं। और रिवाइज ही ना हो बल्कि उनके ऑब्जेक्टिव NDA ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पास आज किताब अवेलेबल है मैथ की और फिजिक्स की, बच्चा उनके क्वेश्चंस को भी लगाने का आप प्रयास करें। क्योंकि जब तक उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को आप अप्रोच नहीं करेंगे आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आपका वाकई में स्टैंडर्ड क्या है और आपको कितना कार्य करने की ज़रूरत है। हर महीने होने वाले क्रमशः यूनिट टेस्ट, और पैरेलली यूनिट टेस्ट के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर महीने जो आपका क्रमशः होगा मॉक टेस्ट, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हर महीने हम आपको एक सच से रूबरू कराएंगे जो सच आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। 4 सितंबर के एग्जाम से पहले हम आपको 6 UPSC के एग्जाम कराएंगे, बिल्कुल डिट्टो पैटर्न पे बेस्ड होगा, एक इंच का डिफरेंस नहीं करेंगे। उसी तरह आप अप्लाई करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसके बाद क्रमशः आप आके UPSC के पैटर्न पे उसी एग्जाम प्रोसेस को यहाँ पे पूरी तरह से फॉलो करेंगे और उसके बाद एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होगा जो आपके सच को क्या कर रहा होगा बच्चा, बयां कर रहा होगा। अब ये आपका अधिकार बनता है कि उस सच को आप कबूलते हैं या उसको इग्नोर करते हैं। और इग्नोरेंस तो है, मैं खुले में ये बात बोलता हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन, आई वांट टू टेल यू वेरी स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस ये है बच्चा कि 8 लाख बच्चा इस एग्जाम में अपीयर होता है और 8 लाख बच्चा जो अपीयर हो रहा है इस एग्जाम में उसमें से 8,000 क्वालिफाई करेगा, मतलब 8,000। तो टोटल रिजल्ट कितना हुआ बेटा आपका? 1%। 8 लाख में 8,000 तो 1% रिजल्ट है। उस पे भी कब्जा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, 100 out of 100 उस पे कब्जा मिलिट्री स्कूल्स का, उनका कब्जा 60 to 70%। मतलब इतने बच्चे क्रैक करें, अगर 60 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 42-45 कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं। वहीं जब मैं सैनिक स्कूल की बात करता हूं तो 50 to 60% कब्जा, एंड पहले भी गो फॉर द आर्मी स्कूल टू, तो ऑलरेडी इन लोगों ने कब्जा बना रखा है और फिर शुरू होता है हमारा कब्जा। मैं इस सच से इसलिए वाकिफ करा रहा हूं बेटा कि लोग बहुत भ्रम में हैं और आइडियलिस्टिक तरीके से यूपीएससी एग्जाम को और एनडीए जैसे एग्जाम को कंसीडर कर रहे हैं, जो कतई सही नहीं है। इट्स अ वेरी रियल एग्जामिनेशन एंड ओनली द रियल कैंडिडेट विल क्वालिफाई। यूपीएससी इज अ स्टैंडर्ड, यूपीएससी का एग्जाम बच्चा एक स्टैंडर्ड है। जब तक स्टैंडर्ड पे अपने आप को नहीं ले जाएंगे आप, कभी भी उस एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
And I tell you one thing honestly, once you clear the examination, अगर एक बार आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हो, I'm telling honestly, कि आपको लाइफ में दोबारा यूपीएससी एग्जाम में कोई फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना एक मार्का होता है, यू नीड टू अप टू द लेवल, आपको होना ही पड़ेगा वहां तक के लिए, और वो बहुत सच्चाई से पहुंचा जा सकता है, देयर इज नो जुगाड़ टेक्नोलॉजी फॉर दैट. डोंट थिंक इट्स अ बोर्ड एग्जामिनेशन कि यू हैव अ गेस मार्का, क्या इतना 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 स्टडी कर लिया सर, नाउ गेट द परसेंटेज. नो, नाउ कॉन्सेप्ट विल चेंज. अभी आपको हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे कमांड करना पड़ेगा, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का नजरिया करना पड़ेगा. आई मेट विद अ लॉट ऑफ कैंडिडेट, दे आर कैपेबल इनफ, बट दे आर नॉट एबल टू अप्रोच मोर देन 40 एंड 50 क्वेश्चंस. रीजन इज वेरी मच क्लियर, बिकॉज उनको ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न ही नहीं मालूम है. He is trying to solve all question in the descriptive way, and because of that, उसका time क्या होता है? खत्म हो जाता है. तो it's very important कि हमने plan कर रखा है 15 में से ये time slot हम बढ़ा देंगे. ये 1 to 7 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाँ, 1 बजे start करेंगे हम लोग और 7 बजे तक attack मारेंगे पूरा का पूरा. लक्ष्य फिर से 4 सितंबर होगा जो 12th वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस समय efforts हमें डालने ही होंगे अगर हम 4 सितंबर को कुछ कमाल करना चाह रहे हैं तो. और जान लगा दो यार, इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा बच्चा आपको. आज मैं देश को जब देखता हूं, लाइक मेरी टारगेट बैचेस, हम बहुत सारी टारगेट बैचेस रन करते हैं एनडीए का, कंडीशंस बहुत खराब है, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको. कंडीशन कैसी खराब है मैं एक्सप्लेन करता हूं. बच्चा 12th के बाद आ रहा है, सितंबर अटेम्प्ट उसने खो दिया, अप्रैल अटेम्प्ट उसने खो दिया, खोएगा कि नहीं खोएगा? जब वो आ रहा था तो बात तो खोएगा ही, बोर्ड एग्जाम के बाद वो भी गया, फिर उसने रिजल्ट का इंतजार किया, मई जून हो गया, और उसने नेक्स्ट सितंबर भी क्या कर दिया? खो दिया. अभी यूपी बोर्ड वाले बच्चे के साथ समझो कितना लफड़ा हुआ है. इवन यूपी बोर्ड क्यों बोल रहा हूं, सीधा सीबीएसई बोर्ड को बोलो, जब उसका एग्जाम ही 7 जून को खत्म हो रहा है तो उसको लैंड करते करते जुलाई हो जाएगा, और उसका 4 सितंबर को एग्जाम लगा एनडीए का, वो क्या करेगा? जादू कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो. और संजोग से उसको कितने चांस मिलते हैं? टोटल 3 ही, और 3 गए इधर से निकल के. और उसे जानकारी भी नहीं इस बात की थी कि एटलीस्ट को आईटी जेई में बैठना है, उसे उसको इस बात का पता ही नहीं था कि एटलीस्ट वो आईटी जेई में बैठ भर गया होता ना तो उसको आर्मी टीएस और 10+2 नेवी बीटेक की, 2 SSB, मतलब 2 आर्मी TS से, 2 नेवी TS से, 4 SSB और 2 NDA की, बोले तो 6 SSB नहीं है. ये ऑनेस्ट अप्रोच है, 6 SSB मिलना है, मिलना है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा आपके ऊपर 12th के बाद. बट उसके लिए ग्राउंड तो अभी से तैयार होगा, और उसका सबसे पहला ग्राउंड तैयार होता है आपके बोर्ड परफॉर्मेंस से, कि कितना आप एक्चुअल बोर्ड में परफॉर्म कर रहे हैं. एंड इट शुड बी एट 80-90% से नीचे तो आपको जाना ही नहीं चाहिए. सेकेंड, यही ग्राउंड है, बिकॉज एनसीईआरटी इज एवरीथिंग. जो इधर कवर हो रहा है वही एनडीए है, वही आपका जेई मेन है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होने वाला नहीं है. अल्टीमेट बेटा आप समझो, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो प्लीज धोखा मत करना, ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है. आपको मैं बता दूं, अभी 2 ऑप्शन है आपके पास. किसी भी कॉन्सेप्ट को जो आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको देख करके हाँ 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 आया कुछ नहीं इधर, बट क्लास में हमने हाँ हाँ कर दिया सर बैठ करके, बिकॉज सबके सामने मैं बता नहीं सकता कि मेरे हालात क्या हैं. डोंट डू दैट, ये मत करिएगा. अगर आपको लगता है कि क्लास में नहीं पूछने की इच्छा है तो प्लीज आप डाउट काउंटर पे आए, सुबह से शाम तक ओपन है. आइए इंडिविजुअल बैठिए, जिस कॉन्सेप्ट पे आपको लगता है कि आपको कमांड नहीं है और इस सच को जानना है, इस सच को आपको जानना है तो वेरी इजी, आप उसी टॉपिक पे एनडीए का क्वेश्चन उठा लो सॉल्व करने के लिए, जो मैथ की बुक आपके पास है, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे क्या कि उस कॉन्सेप्ट पे आपका कमांड किस लेवल का है. और नहीं है बेटा तो प्लीज एक्सेप्ट इट, तभी आके आप उस पर काम करोगे और उसको अच्छा कर पाओगे. और यार फौजी बनने जा रहे हो, अगर हम खुद से ही बच्चा ईमानदार नहीं होंगे तो आपको क्या लगता है बेटा इतना आसान होएगी लाइफ? बी रियल यार, आई नीड टू सेट एग्जाम्पल टू यार. नहीं तो फिर अगर आपकी फैमिली ने आपको मौका दिया, आप इधर आए हो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा है, वो घर पे बैठे हुए हैं. अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी आपकी फैमिली दे रही है बच्चा, तो यार कुछ तो उसका रिस्पेक्ट का ख्याल रखना होगा, कुछ तो समझना होगा, और रिजल्ट्स नहीं लाएंगे तो क्या मैसेज क्रिएट होगा? हम अपना बेस्ट देंगे, आप रेडी हो जाओ. हाँ ये सच है, जैसे मैंने कहा ना उस 8 लाख में 8,000, तो यहां भी मान लो कि 60 बैठा हुआ है क्लास में. हम तो ऐसा नहीं चाहते ना कि हमारा कोई बच्चा ना हो यार,
हम एनडीए के कितने लोग होंगे, गिन के 2000 लोग होंगे पूरे कैंपस में। 2000 सीट तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन क्या हम बना पाते हैं? नहीं। द रीजन इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि वो सिंसियरिटी नहीं है। और हमें रिजल्ट्स पहले से पता, जैसे एनडीए एग्जाम जो 10 अप्रैल को हुआ है, हमें रिजल्ट्स पता है। अराउंड 200-250 बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं। कितने बच्चों में पता है आपको बेटा? 2000 बच्चों में। ये सच मैं आपको बता रहा हूं। क्यों उतने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं? क्योंकि उनका हमने 5 मॉक टेस्ट का उठा के रिजल्ट देख लिया, और 5 मॉक टेस्ट में उन्होंने ही कंसिस्टेंसी क्या की, अपनी मेंटेन की है, बाकी नालायक कुछ किए ही नहीं। उनको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि बेटा रिजल्ट देखो, बेटा प्लीज डाउट काउंटर पे आओ, बेटा थोड़ा फोकस बढ़ाओ, बेटा सवाल लगाओ, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम आपको देना है, कोई और देने आएगा क्या? उधर जो 120 क्वेश्चन मैथ के होंगे कौन सॉल्व करेगा? आप करोगे, हम करेंगे क्या? नहीं। तो अंटिलनेस आप ही नहीं इन्वॉल्व हो तो चीजें कहां से निकल के आनी है? और ये केवल इसी लेवल तक नहीं बताऊंगा मैं बेटा आपको, मैं नेक्स्ट लेवल भी बताता हूं। नेक्स्ट लेवल है SSB, उधर भी रिजल्ट क्लियर रहता है। बैच तो बड़ी बड़ी होती है, 100-100 बैठे हैं, 60-60 बैठे हैं, सभी क्वालिफाई करके आए हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद भी वो सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि फौज का टेस्ट केवल एक चीज पे बेस नहीं है, क्या आपका एकेडमिक एक्सीलेंस अच्छा है। इक्वली यू नीड टू मेंटेन द बेल पर्सनैलिटी टू, उतनी मेच्योर सेंसिबल और क्रेडिबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो उधर वो चीज नहीं मेंटेन कर रहा है, उधर भी उसका टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसको डेली दिखा रहे हैं कि तुम्हारा OIR का स्टेटस देख लो क्या है, तुम्हारी OIR रैंक 1 नहीं आ रही, 2 नहीं आ रही, तुम 3-4 पे जा रहे हो, तुम स्क्रीन आउट हो जाओगे। सुनो, साफ साफ बोले, तुम स्क्रीन आउट हो जाओगे। अब उसको OIR रैंक बढ़ाने के लिए करना क्या है बेटा? प्रैक्टिस, और उस कॉन्सेप्ट पे जाके काम करना है जिसके वजह से अपनी रैंक अच्छी नहीं कर पा रहा है। जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग ऑनेस्ट यार, अभी आप सब समझदार हो गए बेटा, बड़े हो गए हो, घर से निकल आए हो यार, और जिंदगी के एक डिसाइडिंग फैक्टर पे बैठे हो। मैं दिल से ये समझाना चाहूं मेरे बच्चा कि यार डायलॉग से कुछ नहीं होगा। एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए गुरु, हमारा धर्म है आपको आपके सच को बताना, उस सच को कबूल करके उसमें क्या कमियां हैं आपको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारे हम कितने लोग को यहां पहचानते हैं बेटा, या कितने लोग का हम परफॉर्मेंस जानते हैं? कुछ नहीं। मैं हमेशा कहता हूं इस दुनिया में आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है, बाकी तो केवल जानने का दिखावा कर रहा है। हाँ, दूसरे कैरेक्टर इस धरती पर कोई आपको जानते हो तो आपके माँ बाप है, और कोई नहीं समझता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको ये बात, वो चाहे जो जितना बताता रहे, हम आपको समझते हैं करते, कुछ नहीं। आप और आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपको नहीं जान रहा है, तो प्लीज उस बात को महसूस करो, उनके विश्वास को और अपनी जिम्मेदारी का, दोनों का एहसास करना बहुत जरूरी है। इफ रियली वॉन्ट टू चेंज समथिंग, कुछ अगर आप वाकई में बच्चा बदलना चाहते हैं तो प्लीज एक्सेप्ट इट। रिपोर्ट चल रही है, साइकोलॉजी का डोजियर आया जिसमें बच्चे ने टैट, वैट, SRT एंड SD का परफॉर्मेंस दिया। द होल डोजियर केम टू अस, हमने चेक किया, क्रॉस चेक किया, टीम ने चेक किया, एंड वी फाइंड आउट कि ये फैक्टर्स हैं। अब जैसे आपको बताऊं, 3 सेगमेंट है बेटा, साइकोलॉजी है, GTU है, इंटरव्यू है, तीनों पार्ट्स की रिपोर्ट आती है। हमें सच में दिखाई देता है कि बच्चा देखो 2 सेगमेंट में जा रहा है, 1 गड़बड़ हो रहा है इसका, यहां ये रियलिस्टिक नहीं है, इधर ये ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट ही कर रहा है, सुधार भाई, इस चीज को सही कर, हो जाएगा। सबको बताते हैं, एक एक को इंडिविजुअल जाके समझाते हैं, बट रिजल्ट्स कौन ला के देता है बेटा? जो वाकई में डिजर्विंग होता है, जो ओरिजिनल होता है, वो बैक टू बैक रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। द सेम एक्सपेक्टेशन विथ यू, आपसे भी बेटा वही एक्सपेक्टेशन है यार। अभी ठीक है, 11th बीत गया यार, दस नाउ चिल आउट, अभी 12th आ गया, यू नीड टू बी सीरियस यार। बड़ा बिलीफ फैक्टर है पेरेंट्स का, और जितना पेरेंट्स का बिलीफ फैक्टर है, मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो आप, एक इंस्पिरेशन हो। अगर आप कमाल करके दिखाओ तो सब कुछ बदल सकता है, बस आप डिमांड करो क्या चाहिए आपको। सर ये एक्स्ट्रा चाहिए, ये मिलेगा, और एक्स्ट्रा चाहिए, वो मिलेगा, दिस नथिंग लाइक दैट। आप एक बार प्रोसेस सिस्टम में आ गए, बात खत्म। हम 12th में पूरी जान लगा देंगे, हमसे कहोगे सर 7 घंटे क्लास चलाओ, आई एम रेडी फॉर दैट, बट कुछ कमिटमेंट आपको भी करनी होंगी। और कमिटमेंट सिंपल है कि सर मैथ की बुक उठाऊंगा और जितने क्वेश्चंस हैं सर, एक ना छोड़ूंगा मैं, सारे क्वेश्चन मेरे को लगाने हैं। और मैं लिख के दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पे, अगर अपने इस मैथ की बुक के आपने क्वेश्चन कर लिए बेटा, तो 100% आप मैथ में बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आओगे। इस बार भी एग्जाम में 70-80 क्वेश्चन बुक्स के हैं बेटा, और वो कोई अजूबा नहीं है, उसको भी देखो दिल से, महसूस करो आप लोग, तो उसको भी जेन्युइन बनाया है मैंने।
एज ए कॉम्पिटिटर इसको क्रिएट किया है हम लोगों ने। मैंने उसमें आपको सब टॉपिक वाइज बांट के दिया कि नहीं दिया, क्यों किया मैंने ऐसा, जिससे आपको आसानी लगे, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़े। बेटा क्या आज ये सब टॉपिक पढ़ा है, लाजमी सी बात है कि फिर गोइंग टू लर्न द फंक्शन, तो एक ही दिन में सारा फंक्शन थोड़ी ना खत्म कर लोगे आप, वन या टू कॉन्सेप्ट ही क्लियर करोगे। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज अरेंज किया। एनर्जी है तो चार तरह की एनर्जी, एक ही दिन में सारी एनर्जी थोड़ी ना होगी, तो उस एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन को डिवाइड किया है। कैटलिस्ट आपके ऊपर वेट भार ना, और ऐसा नहीं कि एक बार में आपको सुपरमैन हो जाना है, बस थोड़ा थोड़ा। एक सब टॉपिक पढ़ा सर, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है सर, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं खोखला इंसान हूं, फिर कौन करेगा ये। और जब उसको लगाओगे ना बेटा आप, तब आपको डाउट्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो उसके लिए उठ के आप भागोगे इधर कि सर मेरे को क्लियर करो। तब आपको समझ में आएगा कि जो कॉन्सेप्ट का लेवल था, जितना डेप्थ मेरे को जाना था, मैं उधर गया कि नहीं गया। ये तो रहा जो आप क्रमशः डेली के एफर्ट्स कर रहे हो, इसके बावजूद हम आपको मॉक टेस्ट से रूबरू करा रहे हैं, और उस मॉक टेस्ट का नेक्स्ट डे हम वीडियो सॉल्यूशन डालते हैं इधर। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो 120 क्वेश्चंस रहे हैं, जो आपसे नहीं हो पाए एग्जैक्टली, जो पेपर दे के निकले हो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस 15% आया है, 20% आया है, वो ठीक नहीं है यार। 50% के नीचे आशा मत करना भाई। कुछ बैठे सर इस बार का कट ऑफ कितना चला जाएगा, सर एवरीबॉडी इज आस्किंग, आई एम जस्ट सीइंग लॉट ऑफ वीडियो। मुझे भी मजबूरी में आके बनाना पड़ता है क्योंकि डिमांड है, आपको कट ऑफ का वीडियो बनाना एनडीए, क्या मजाक चल रहा है यार। मैंने कहा 50%, नहीं सर 50% कैसे, वो तो 340 बता रहे थे। क्या करना है 340 का, घास निकलना मेरे को बैठ के उसका, उस 340 से होना क्या है आपका, उस 360 से होना क्या है। मान लो 360 आपका स्कोर इधर आ गया, उधर एसएसबी भी कितना खींच लोगे तुम, 300-330 हाईएस्ट मार्क्स है यार, टॉपर्स के जाते हैं 400 के आसपास, वो भी फर्स्ट पोजीशन वाला, सेकंड वाला भी 350-300, उठा के रिजल्ट तो देख लो एक बार एनडीए का। भाई जो 517वीं पोजीशन पे इस बार था, उसका स्कोर था 757, कितना था बच्चा। अब आप कैलकुलेट कर लो यार, अगर 360 वाला हो और उधर एसएसबी में पाया 350, तो दोनों जोड़ के कितना बन गए भाई, 710। उसका सिलेक्शन होगा कभी? तो भाई ये करना ही क्यों सर, हमें एक ऐसे स्कोर की ओर बढ़ना है बच्चा, जो हमारे सफलता को श्योर शॉट करे। हम मेरिट में इन होना चाहते हैं सर, हम केवल नाम नहीं करना चाहते सिलेक्शन को लेकर के। एंड दैट टाइप ऑफ एफर्ट्स यू नीड टू डू, इस तरह के एफर्ट्स की आपको जरूरत होगी। और अल्टीमेट फिर से दिमाग में रख लो एक बात, करना आपको ही है। द पीपल विल सपोर्ट यू, गाइड यू, एनहेंस यू, मोटिवेट यू, रेस्ट यू नीड टू परफॉर्म। नहीं करोगे तो गड़बड़ हो रहा है, समझदार हो, अब छोटे बच्चे नहीं लगे हो बेटा, समझाना अपना धर्म है यार। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा भाई समझो, दोस्त समझो, टीचर समझो, जो भी समझना है, बट ऑनेस्टली यार एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। एंड यू हैव ऑल ऑप्शंस यार, एज ए छात्र मैं ऑनेस्ट हमेशा बोलता हूँ कि लाइक जीवन में जो चीज मुझे नहीं मिली है, कोशिश मेरी यही रहती कि वो सारी चीजें आपके लिए मैं लाऊं। टुडे यू हैव ऑप्शंस लाइक डॉट काउंटर्स, आप जहां जाओ आप पूछते ही नहीं हो यार, आते ही नहीं हो। हम टीचर बैठे हुए हैं वहां पे कि प्लीज कम, हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हम चाहते हैं आपके डाउट्स का जवाब देना, हम चाहते हैं आपको मजबूत बनाना, बट आपके पास टाइम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट ही बदल दे रहे हो बिल्कुल। ठोक कर देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, आप केवल इतना जितना एनडीए का कलेक्शन इधर से दिया गया ना, केवल इतना किताब कंप्लीट कर लो, 100% क्वालिफाई हो, कोई रोक के दिखाए आपको। अभी गेम क्लियर हो गया कि आपको अपना लक्ष्य और टारगेट्स भी क्या है बच्चा, क्लियर है। Now you need to do efforts, यार efforts तो भाई करने पड़ेंगे ना यार। And you have parallel three options बेटा, आपका बोर्ड भी है, आपका एनडीए भी है, और आपको जेई भी बैठना, इतना दिमाग में रख के चलना अच्छे ढंग से, और उसी तरह आपको फोकस बढ़ाना है बेटा। अल्टीमेट किसी भी कॉन्सेप्ट का डेप्थ तभी आपको क्लियर होगा बेटा जब आप सवाल अप्रोच करोगे। जब तक आप क्वेश्चन अप्रोच नहीं करोगे आप हमेशा खोखला रहोगे, मैं बता दे रहा हूं पहले से आपको। हमेशा वो कहते ना एयर में जीने वाला बात होता है, हाँ हाँ आता है, हाँ हाँ कर लेते हैं, वो तो नहीं लेटे लेटे, हाँ मैं तो दौड़ लेता हूँ 2 किलोमीटर, एक दिन आ भाई नहीं सही से मैदान में, फिर दौड़ के दिखाओ, तो मैं मानता हूँ कितना दौड़ लेते हो यार, कुछ नहीं दौड़ पाओगे। बट देश का दुख क्या है ना बेटा, ना कोई सच दिखाना चाहता है, ना कोई सच देखना चाहता है, और इस बात का मुझे बहुत दुख होता है अंदर से। और हम सच दिखा रहे हैं आपको लगातार, इन मॉक टेस्ट में बैठिए, फेस टू के टेस्ट में बैठिए, आइए नापिए, उस ओआईआर टेस्ट में बैठिए, ओआईआर टेस्ट में बैठिए तो अपनी रैंक देखिए, बीएसटी के टेस्ट में जब आप स्टोरी राइटिंग करें, नरेशन करें, डिस्कशन करें, उसमें जाइए बैठिए, अपनी क्षमता को आंकिए आप कहां हैं, और ये आपको ही करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अनदर ऑप्शंस, बी सीरियस यार, यू आर स्मार्ट इनफ, आप समझदार हो बच्चा, और
यार ये लग गए ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा भाई, सोच कितनी खूबसूरत जर्नी हो सकती है। मेनी एग्जांपल सेट लाइक दिस, और हमें आशा भी है, वी हैव एक्सपेक्टेशन विद द सम कैंडिडेट, हम उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। तो 8 मई को शेड्यूल हुआ है, अभी 1 मई को आपका फेज 2 शेड्यूल हुआ है। क्या शेड्यूल हुआ बच्चा? उसके लिए भी आपको मेजर कल्सी क्लासेस की वेबसाइट पे जाना है, उधर फेज 2 पे क्लिक करना है, 1 मई की डेट, उसमें कमीशन एंड नॉन कमीशन होगा, तो कमीशन पे आपको जाना है, अप्लाई करना है, एनरोलमेंट नंबर इधर का एंटर करना है, फिर आपका डिटेल ले लेगा वो, फेच कर लेगा, सबमिट कर दीजिए, फिर एडमिट कार्ड उधर से डाउनलोड करेंगे। संडे यानी 1 मई को आपको न्यू कैंट में एनसीसी हेडक्वार्टर के सामने भारत स्काउट गाइड में रिपोर्ट करना है, जहां सबसे पहले आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होंगे, जिसमें 1.6 किलोमीटर रेस, पुशअप्स, स्क्वाट, सिटअप्स हैं, किसी को बाहर नहीं करेंगे भाई, सच से रूबरू कराएंगे, बाकी रियलाइज कराएंगे देखो कितने पानी में हो। उसके बाद बच्चा आपका बकायदे OIR टेस्ट होगा बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इन द SSB, ये आपका सब कुछ डिसाइड करता है बेटा। टिल कॉन्फ्रेंस आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली कि द ऑल बॉर्डर लाइन केसेस इन द फौज व्हेन वी आर गोइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस राउंड इन द SSB, जितने भी हमारे बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं बेटा, अगर वो क्लियर हुए हैं तो उसके पीछे केवल एक ही रीजन रहा है, उसका OIR रिपोर्ट, बिकॉज दैट शोज योर IQ स्टैंडर्ड। इफ द IQ इज गुड तो फर्दर हम बाकी चीजों को ट्रेनेबल हैं वो हम सही कर सकते हैं आपके अंदर। देन यू विल प्रोसेस फॉर द PPDT राउंड, जहाँ आपको एक हेजी पिक्चर दिखाई जाएगी बच्चा, यू नीड टू राइट अ प्रॉपर स्टोरी ऑन दैट, फिर यू नीड टू नरेट दैट स्टोरी एंड यू नीड टू डिस्कस इन अ ग्रुप, तो यू गेट ऑल फीडबैक एंड रिजल्ट देयर। तो प्लीज इस 1 मई वाले में अप्लाई करिए, 1 मई के बाद NDA वाला ही बोल दे रहा हूँ, 8 मई को कोई चार्ज नहीं लगता किसी चीज के लिए, सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और केवल आप ही नहीं अपीयर होते हैं, बाहर के ही बच्चों को मौका दिया जाता है, किसी के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, क्योंकि हमारा ये हमेशा से कहना है कि कोई ज़्यादा हीरो बन रहा हो तो आके टेस्ट में बैठे और रियलिटी को देखे, उसके बाद हीरो बनेगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट जो आपको करना है बच्चा, तो प्लीज मेंटेन इट यार, एंड आई थिंक यू आर लकी पीपल कि आफ्टर 10th स्टैंडर्ड योर फैमिली सपोर्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हियर, यू आर द लकी पीपल यार, आफ्टर 11th स्टैंडर्ड योर फैमिली सपोर्टेड एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हियर, और यार इधर आए हो तो इस हिस्ट्री को बदल भाई। ऐसे ही खूबसूरत सा 4 सितंबर को एग्जाम होगा, अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे, दिसंबर जनवरी में आपके SSB डेट्स अनाउंस हो जाएंगे, और खूबसूरत सा बोर्ड का एग्जाम मार्च में होगा, और उसके बाद मई में आपके जहां एक तरफ रिजल्ट आपके सामने बोर्ड का होगा जिसमें आप एक अच्छे परसेंटेज ला रहे होंगे, तो वहीं आपके हाथ में NDA का ज्वाइनिंग लेटर भी होगा जो आपको जुलाई या जून लास्ट में पुणे खड़गवासला ले जा रहा होगा। तो ये आपके हाथ में है बेटा कि आखिर कौन सा रास्ता आप पकड़ते हैं। ये खूबसूरत जर्नी इसी के साथ डन होती है, जहां आप 10+2 में भी बेहतर परसेंटेज लेके आते हैं और साथ ही साथ बेटा NDA का ज्वाइनिंग लेटर भी आप लेके आते हैं। मत करो डिले यार, ये अलग खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी की। हाँ, यही अप्रैल हो जाता है जब, तो थोड़ा सा क्रम चेंज हो जाता है, फिर ये जनवरी ले जाता है, कहाँ ले जाता है, साल में 2 बार मौके मिलते हैं, एक मंथ जुलाई है तो दूसरा मंथ आपका जनवरी है बेटा, और दोनों मंथ जो है मैं कहूँगा कि आपके लाइफ के जो है डिसाइडिंग मंथ हैं यार। तो जस्ट क्रिएट समथिंग यार बेटर, कुछ कमाल, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट करने का एक मौका है, तो करो यार, अगर कुछ वाकई में बदलने की इच्छा अंदर से है तो। JEE में भी बैठने का मौका मिलेगा, इस बार थोड़ा डिले हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपको मतलब अप्रैल से ही शेड्यूल मिल जाएगा बच्चा, तो प्लीज़ इसको भी आप पॉजिटिवली लेके तेजी के साथ बढ़िए कुछ बेहतर और अच्छा करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी, यू हैव अ गुड टीचिंग प्लान इन योर हैंड, एक प्रॉपर टीचिंग प्लान है बेटा जो आपकी जर्नी को क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करेगा। सारा अधिकार आपके हाथ में, आपको पता है क्या क्या किस मंथ आपका क्या लक्ष्य है, तो पूरी ईमानदारी के साथ, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक ही महीने में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आज की ऊर्जा, आज का समय आज का है, ये कल बिल्कुल वापस नहीं आएगा, जो 24 घंटे और आज का एफर्ट है, अगर हम सोचें कल 48 घंटे बना लेंगे क्या 24 घंटे को, नहीं ना भाई, तो जो आज है आज ही को बेस्ट कर लेते हैं, जो आज की ऊर्जा उसका अपना 100% यूटिलाइजेशन कर लें, ये आपका जज्बा अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जो भी दो दो टॉपिक आपको ईमानदारी से मिल रहे हैं बच्चा, अच्छे से काम करो यार, एंड ऑब्वियसली ये टीचिंग प्लान मिल गया आप सबको बच्चा जी, तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी चीज़ है बेटा, ये राइट्स है, संविधान आपके हाथ में है और आपको अपने लक्ष्य का पता है। कहते हैं एक बिल्डिंग जब बनती है तो उससे पहले उसका नक्शा होना चाहिए, मैप होना चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग कभी बन पाएगी क्या? तो ऐसी ही पढ़ाई है, तो उसका मैप होना बहुत ज़रूरी है, तो मैप है जिस मैप के हिसाब से आप सब चलेंगे। ऑब्वियसली गॉट द ऑल बुक्स, आई होप कि आपको किताबें मिल गई हैं, तो वो परफेक्ट कलेक्शन आपके पास है, जो मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स हो या आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश हो,
लेक्सिकन द वोकैब मास्टर कलेक्शन 30 क्वेश्चंस इन एनडीए एग्जामिनेशन 120 मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर 60% कब्जा कितना कब्जा डिसाइडिंग फैक्टर सारे वर्ड्स कमाल के सजाए गए हैं कोई कसर नहीं छोड़ा गया है अब कहने तो पूरी डिक्शनरी भी हो सकती है वर्ड तो वहीं से आएंगे हाँ बट ये जो है पतली है बट उस पतली बुक में भी इतना अच्छा कलेक्शन बनाया गया है जो परफेक्टली अगर आप देख लोगे तो एक भी वर्ड इधर उधर नहीं जाएंगे हिस्ट्री एंड पॉलिटी कंप्लीट कलेक्शन क्वेश्चन से लेके थ्योरी तक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कभी आप जेएन सर से पूछिएगा तो बताएंगे इसी एनडीए एग्जाम में कितना क्वेश्चन यहाँ से क्या रहा यू विल फाइंड एवरीथिंग क्लियरली ठीक है ना यू विल नो दैट एंड पहली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो संडे को थोड़ा समय निकाल लिया करो और एमकेसी क्लासरूम ऐप मिला हुआ है क्या मिला हुआ है डेली केमिस्ट्री बायोलॉजी की क्लास चलती है उस टाइम भी आपकी क्लास यहाँ भी चलती है तो कोई टेंशन लेने का नहीं वो जो लाइव क्लास चलती है उसको रिकॉर्डेड भी कर दिया है वहाँ तीन ऑप्शन होते हैं बेटा न्यू एक्टिव एंड कैटेगरी तो उसको एक्टिव में रख देते हैं 48 आवर्स के लिए फिर उसके बाद उसको कैटेगरी में डाल देते हैं जिंदगी भर के लिए ठीक है ना तो कलेक्शन उधर हम बना रहे हैं आपका तो उधर जाके देख लिया करो डेली डेली करंट की क्लासेस चलती हैं पता है आपको नो सर तो पता कर लो सर पता ये कर लो सर कि केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ डेली करंट की भी क्लास रहती हैं तो करंट की भी क्लास आप जाके आराम से कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है डेली उधर पीडीएफ भी अपलोड की जाती है तो प्लीज़ उसको भी देख लिया करो क्योंकि 6 महीने के करंट के कम से कम 10 क्वेश्चंस होंगे उससे 40 मार्क्स मिलेंगे तो वो ज़रूरी है आपके लिए और साथ ही साथ डेली शाम को 7 से 8 कम्युनिकेशन सेशन भी चलता है पता है इसके विषय में नहीं पता ये भी पता कर लो एमकेसी क्लासरूम ऐप जब डाउनलोड करोगे तो तीनों ऑप्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी ने क्या कर रखा है ऐड कर रखा है तो प्लीज़ इनका पूरा फ़ायदा उठाएं और इस्तेमाल करें इसके साथ साथ बच्चा संडे स्पेशल 4 to 7 हमने सेशन रखा दिया आपका करंट का और केमिस्ट्री बायोलॉजी का कि आप ऑफलाइन वर्जन में भी आएँ और हफ्ते भर की जितनी भी हलचल रही है उसके विषय में जानें और समझें कि आपका जनरल अवेयरनेस बेटा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ये बहुत मदद करेगा आपको ड्यूरिंग GD लेक्चरेट इंटरव्यू और आपका एक व्यक्तित्व निर्माण जिस लेवल का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं इस जनरल अवेयरनेस सेगमेंट से ही बेहतर हो पाएगा तो प्लीज़ आप उसका भी 1 घंटे हिस्सा जरूर बनिए बेटा और पूरा एफर्ट्स दीजिए और उसके बाद केमिस्ट्री बायोलॉजी भी स्पेशल सेशन रहता है उसको भी आप अटैच कर सकते हैं एंड विल स्टार्ट योर SSB सेशन 11th वाले नहीं अभी 12th वाले केवल तो उनका हम SSB सेशन स्टार्ट करेंगे यू विल गेट द ऑल बुक्स देयर कंप्लीटेड हाउ टू क्रैक SSB वर्कबुक OIR बुक जो कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की है एंड द ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट बुक्स ये भी आपको इशू होंगे बच्चा और प्रॉपर इसकी क्लास वर्जन में आप जाएंगे और एक बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि लाइक व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट व्हाट एग्जैक्टली नीडेड इन द SSB बोर्ड क्या ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो SSB बोर्ड के अंदर नीडेड हैं और उनको कैसे आपको अपने अंदर डेवलप करना है एनहेंस करना है द ऑल बुक्स आर वेल डिवाइडेड एंड लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है बेटा एंड ऑब्वियसली जो बनाया गया है कलेक्शन उसमें क्वेश्चंस कलेक्शन कहीं ना कहीं जो रखे गए हैं वो NDA और JEE मेंस को ख्याल रख के क्वेश्चन कलेक्शंस बनाए गए हैं आपके तो प्लीज़ उनको अच्छे से करिए आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा और हम गर्व से कहते हैं कि 70-80% क्वेश्चन आस्क इन द कॉम्पिटिशन फ्रॉम दिस बुक और हमें प्राउडली ऐड करते हैं और ऐसा नहीं इसमें कोई चमत्कार वाली बात है बच्चा जब किसी चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो 20 साल का अनुभव रखो परफेक्शंस करो तो वो चीज़ें हो जाती है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ये डिसाइडिंग फैक्टर भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि इसका शेड्यूल इन्होंने अभी तक 2nd मई का लगाया हुआ था बगैर 2nd मई का शेड्यूल इसको हटा रहे हैं हम लोग इसको अब आपके एग्जाम के बाद मतलब आपके स्कूल के बच्चा बाद ले जाएंगे जिससे आप सबको मिल सकें कोई दिक्कत इससे आप सब कंफर्टेबल भी रहेंगे बच्चा तो वो चीज़ हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है आपके लिए जहाँ आप पूरी जर्नी से गुजरेंगे प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रॉपर साइकोलॉजी प्रॉपर इंटरव्यू एंड प्रॉपर GTO ठीक है ना एवरी एक्टिविटी से हम आपको लेके गुजरेंगे बच्चा एंड दैट वुड बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू वो आपके लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा 3 क्लासेस बच्चा अभी शेयर कर रहा था मैं आपसे तो MKC क्लासरूम ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे बच्चा वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे आप उसके बाद स्पोकन इंग्लिश का शेड्यूल है 7 to 8 अच्छा शेड्यूल है आइए कभी करिए अच्छा लगेगा आपको करंट अफेयर 10:45 AM to 11:30 तब तो घर पे रहते हैं बहुत सारे लोग इधर तो कभी कभी लाइव अटेंड करिए बहुत मज़ा आएगा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और उधर डाउनलोड सेक्शन जो होता है बच्चा उधर PDF भी डेली अपलोड होता है आपका ठीक है जो इधर आपको कन्वे किया जाएगा द ऑल मैटर विल गेट देयर पहली केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो शेड्यूल है 2:30 to 3:15 है उधर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है सो डोंट वरी अबाउट इट इसके लिए हमने रिकॉर्डेड वर्जन रखा रिकॉर्डेड तो सारे ही हैं आप कभी भी देख सकते हो दैट्स नॉट ए इशू ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द प्रॉपर यूनिट टेस्ट एज पर द टीचिंग प्लान
तो एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होएगा और एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होएगा। रिगार्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर द बोथ, आपको दोनों के लिए मौके मिलेंगे। जाइए अच्छा से करिए, डिस्क्रिप्टिव में भी बच्चा बढ़िया करिए और ऑब्जेक्टिव में बढ़िया करिए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है और मुझे लगता है कि हर महीने होने वाला टेस्ट ये आपको बहुत बदलेगा और बहुत बेहतर करेगा। एंड आई विल टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट शेड्यूल ऑल्सो। तो 8th में पहला लक्ष्य आपका है, पहली बार आप फेस करेंगे। तो 8 मई को आपको पहला मौका मिलने जा रहा है यूपीएससी पैटर्न पे मॉक टेस्ट। परसेंटेज पूछूंगा मैं, क्या पूछूंगा? रैंक मत बताना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रैंक। गधों के बीच में कौन सी रैंक, वहाँ मार्क्स चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? पर 100 गधे बैठे सर, हमारा रैंक बड़ा अच्छा है सर। अरे यार, उसमें रैंक ला के फायदा क्या है? तो रैंक नहीं चाहिए, मार्क्स चाहिए। और मार्क्स मतलब मुझे वही दिखना चाहिए, 450 और 500। वो दिख रहा है मतलब फिर कोई रोक नहीं सकता है। और ये बड़ा सच्चाई से आएगा, अभी से मेहनत करोगे बच्चा तभी कर पाओगे। ऐसे बेटा वेबसाइट पे जाना होगा www.majorkalsiclasses.com, उधर आपको मॉक टेस्ट सेगमेंट दिखेगा। अभी तो फेज 2 दिख रहा होगा, वहाँ क्या दिख रहा होगा? फेज 2 जब खत्म हो जाएगा संडे को तो वहाँ मॉक टेस्ट दिखने लगेगा। 8 मई की डेट्स आएंगे, अभी तो अप्रैल तक की डेट थी, अब मई की डेट्स आ जाएंगी। तो जो जो भी कॉम्पिटिशन का मॉक टेस्ट आप देना चाहते हैं बच्चा, इधर अप्लाई पे जाएंगे, फिर वो एमकेसी नॉन एमकेसी पूछेगा। ऑब्वियसली आप एमकेसी के हैं तो एमकेसी पे क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट नंबर मांगेगा, आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। फिर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर एग्जाम दे के निकलिएगा, उसी के 2 घंटे बाद रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं आप, और उसके अगले दिन वीडियो सॉल्यूशन भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। बट अल्टीमेट आपको तो ले जाएगा यूट्यूब पे, कहाँ ले जाएगा, तो उधर भी जाके आप देख सको। रिजल्ट्स भी बच्चा इसी तरह मांगेगा, तो एनरोलमेंट यहाँ डालेंगे तो डिटेल आएगा। रिजल्ट देखने की आदत तो ऐसे लग गई होगी तुम लोगों को ऐप पे, उधर पूरा डिटेल रिजल्ट आता है, कितना राइट कितना रॉन्ग कितना लेफ्ट क्या क्या सारा राम कहानी उधर दिया रहता है, बोले तो पूरा डिटेल्ड स्कोर आता है। ऑब्वियसली इफ यू डू द बेटर यूनिट टेस्ट दैट विल कम फॉर द ओपन सेशन। अगर आपका बच्चा बेहतर यूनिट टेस्ट परफॉर्मेंस होएगा तो मैं ओपन सेशन के लिए आऊँगा, नहीं होएगा तो नहीं आऊँगा, ये पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? बिकॉज एवरी टाइम आई कॉन्ट टॉक द सेम थिंग ना, इतना देर हमने बात किया, सच समझाया कि भाई मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, बट अल्टीमेट महीने के अंत में जब रिजल्ट आ रहा है तो देखने ही लायक नहीं है एग्जैक्टली। तो फिर वहाँ इंटरेस्ट लेवल क्या हो जाता है बच्चा, फिर ये समझ में आता था ना, ये ज़्यादा जानकार लोग हैं, इन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, दे आर मोर इंटेलिजेंट पीपल, और इतने इंटेलिजेंट को सलाह देना गलत हो जाएगा। तो नेवर डू दैट, मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ। इसलिए मैं ऑनेस्टली ये कहूँगा कि आपकी क्षमता, आपका डेडिकेशन बच्चा और आपका परफॉर्मेंस होगा जो हर महीने हमें मिलने का मौका देगा, और कुछ ऐसे विषय पर बात करने का अवसर मिलेगा जो ऑब्वियसली आपके करियर के नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट के लिए बच्चा जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए कि एवरी मंथ इट्स लाइक ए चैलेंजिंग मंथ। तो अगर हम मिलना चाहते हैं हर महीने या महीने में 2 बार मिलना चाहते हैं तो कुछ कमाल करिए मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट में कमाल करेंगे तो मैं भागते हुए आऊँगा, हाँ ओपन सेशन बोले तो यूनिट टेस्ट में कमाल करेंगे तो मैं भागते हुए आऊँगा। रीज़न होना चाहिए मेरे भी भागने का, बढ़िया रिजल्ट लाएंगे तो आपके हम ढूंढ निकालेंगे आपको, क्या करेंगे, और प्रॉपर इंटरव्यू में ले आएंगे खींच के। लेकिन कुछ करने पे ही कुछ मिलता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी आ जाएगा आपका हर पेपर का, ठीक है ना? तो प्लीज़ इस वीडियो सॉल्यूशन को भी जाके देखा करो बेटा, जो पेपर दे के आए हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा और आप समझ पाएंगे क्या कमी रही और क्या बेहतर करना है। ऑब्वियसली डाउट काउंटर यू हैव ऑल ओपन, तो ये ध्यान देना आपको, यहाँ पे आइए। मैंने आपको बताया फेज 2 का टेस्टिंग 1 मई को शेड्यूल किया है, कब किया है? तो इसके लिए रजिस्टर्ड कर देंगे, आता है ना मोबाइल पे चलाना वगैरह, उसको वेबसाइट विजिट करेंगे और फटाफट क्या कर देंगे बच्चा, रजिस्टर्ड। तो फटाफट करके इस प्रोसेस का भी हिस्सा बनिए, बहुत मजा आएगा जब उधर आएंगे आप टेस्ट करने का और इन सारी एक्टिविटीज में जाने का। दिस इज ऑनलाइन क्लासरूम, एमकेसी क्लासरूम ऐप जिसकी हम लोग बात कर रहे थे बच्चा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये आपके लिए हर तरह की चीज़, अटेंडेंस स्कोर, जितना भी आप टेस्ट दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट देख रहे हैं, तो आपको चाहिए ना अपना स्कोर कहीं देख सके, तो स्कोर सेक्शन में आइए। ये ऑनलाइन एग्जाम बेटा, जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा बच्चा, यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस सेट हम अपलोड करते हैं, ठीक है ना, जिससे आप घर बैठे उसको ऑनलाइन क्या कर सकिए, प्रैक्टिस कर सकिए, ठीक है ना। बाकी ऑनलाइन क्लासरूम ऐप के विषय मैंने बता ही दिया है जो कि आपको दे रहा है। करंट अफेयर PDF भी अवेलेबल हो रहा है इस पर, जिसको ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो सारी चीज़ें अपडेट करेगा। दिस इज एमकेसी हेल्थ केयर सेंटर। जैसे हम एक बेहतर तैयारी रिटर्न की करते हैं, एक बेहतर तैयारी फिजिकल की करते हैं, एक बेहतर तैयारी इंटरव्यू की करते हैं, इन द सेम वे मेडिकल का भी अपना एक रोल होता है बेटा। तो इसका भी पूरा सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक की टेस्टिंग है। जब आपको लगे कहीं भी चीज़ कोई ज़रूरी चीज़ तो करा लीजिए, एक बार टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं होती है। और ऑन द चीपेस्ट कास्ट यू गेट द ऑल फैसिलिटीज़, जहाँ आपको सारे एक्सपर्ट हर पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। जहाँ डेंटल एक्सपर्ट अलग होंगे, आई के अलग होंगे,
ENT के अलग होंगे, मसल्स के अलग होंगे, फिजिशियंस अलग होंगे, पैथोलॉजी के 30 तरह के टेस्ट हैं वो अलग होंगे, ब्लड टेस्ट अलग है, यूरिन टेस्ट अलग है, EEG अलग है, ECG अलग है, वो सारा का सारा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर ढंग से यहाँ पर रहेंगी। एंड ऑब्वियसली द मेन, आज भी एक बच्चा रिकमेंड हुआ हर्ष पांडे, अभी थोड़ी देर बाद हम अपडेट करने वाले हैं उसका इंटरव्यू। तो आई थिंक इट्स फील प्राउड यार, कहते ना खुशी ये मिले कि डेली एक बच्चा सर ये रिकमेंड हो गया, सर ये रिकमेंड हो गया, तो अंदर से क्या मिलती है, खुशी मिलती है कि सारा किया गया एफर्ट्स कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है। बट यार ये मेरे अकेले सोचने से तो नहीं होगा ना बच्चा, उतने ही एफर्ट्स आपको भी लगाने होंगे, आपको डिसाइड करना होगा कि नहीं सर मुझे ये चीज़ पानी है, तो क्रिएट द रिजल्ट, तभी मज़ा आएगा। लक्ष्य का इंटरव्यू देखा था कि नहीं देखा था? देखो सच अ गाय, स्मार्ट, डायनेमिक। जब मेरे से मॉक इंटरव्यू यहाँ चल रहा था बिंग कमर KP ठाकुर सर से, उसका वीडियो देखिए, और जब मेरे साथ इंटरव्यू कर रहा है उसका वीडियो देखिए, यू जस्ट सी द चेंज ऑफ पर्सनैलिटी कि सर इस बच्चे में कितनी मेच्योरिटी, कितनी सिंसियरिटी आई है। और लगाइए उस संख्या में नाम, ये भी कोई आसमान से आने वाले बच्चे नहीं है, जेन्युइन डिसेंट, आप ही जैसे मासूम मासूम बच्चे हैं, क्षमता है, पोटेंशियल है, डेडिकेशन है। हर्ष गॉट रिकमेंडेड इन 147 एंट्री, गॉट मेरिट आउट, स्कोर ठीक नहीं था, 148 अगेन गॉट रिकमेंडेड, दिस टाइम ही स्कोर्ड वेरी वेल। तो ये भी क्षमता होती है, जैसे मैंने कहा कि UPSC का एग्जाम एक बार क्रैक कर लो आप तो दोबारा फेल नहीं होगी, वही सेम कंडीशन आपको इधर भी देखने को मिलती। तो ये चीजें थोड़ा समझना बहुत जरूरी है बेटा कि पॉजिटिव एफर्ट्स के साथ ही चीजें बढ़ी जा सकती हैं। ये टेस्ट प्रेप ऐप है, इसको भी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना बच्चा, इसमें भी आपको टेस्ट के प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं ढेर सारे, और मॉक टेस्ट दिए जाते हैं जिससे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकें, जिसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जस्ट वांट टेल यू वन थिंग बेटा कि दिस इज वेरी प्रीसियस टाइम यार, और एक डिसिप्लिन रूटीन जिए। अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो अपलोड किया था बच्चा फर्स्ट अमर्स के लिए, मतलब NDA के जो फर्स्ट अमर्स होते हैं, तो द लाइफ एंड द रूटीन कि कैसे उनका 4 बजे से जिंदगी शुरू होती है और कैसे रात 11 बजे तक, उसमें एक एक मिनट मैंने बताया था। वो रूटीन मैं किसी और के लिए नहीं बता रहा था, अरे वो रूटीन तो वो फॉलो कर ही रहे हैं यार, उनको मैं क्या बताऊंगा, ये रूटीन मैं आप सबके लिए बता रहा था। आप देखो कि आप जहां जाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, क्या आप वो वाकई में इन्वॉल्वमेंट, वो डेडिकेशन दिखा रहे हो। मैं नहीं कहता 4 बजे उठ जाओ भाई, बट एटलीस्ट 5:30 बजे 6 बजे तो उठो यार, ईमानदारी से उठ के ईमानदारी के साथ कम से कम नहीं दौड़ सकते 5 किलोमीटर तो कम से कम 2 किलोमीटर की कोशिश करो। अरे ठीक है 2 किलोमीटर एक दिन में मत दौड़ लो यार, 500 मीटर दौड़ मेरे भाई, बाकी चल ले। बट धीरे धीरे अपने आप को क्या करना है बेटा, प्रोजेक्टेड करना है आपको। लाइफ इज टोटली डिफरेंट यार, ये फिल्म नहीं है सच्ची। जब आप फौज के ट्रेनिंग मॉड्यूल को देखेंगे तो लिटरली वो रगड़ा है यार, क्योंकि मैं तो पर्सनैलिटी में चेंज देखता हूँ। एक बच्चा मासूम सांप की तरह ऐसे बैठा अभी देख रहा हूँ, फिर ये SSB में आएगा आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन, तो इसका फेस वैल्यू बदल जाता है। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप वो बदलता है, हमने ये स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन देखा है। रिटन क्वालिफाई करने पर इसके पर्सनैलिटी पे ट्रेट अलग दिखते हैं, फिर SSB का हिस्सा बनता है बैच का, उधर इसका ट्रेनिंग चलता है, फीडबैक आता है, ठीक लगता है तो मॉक इंटरव्यू कराया जाता है। मॉक इंटरव्यू उन्हीं का होता है जिनसे क्या आशा होता है, ऐसे सबका मॉक इंटरव्यू नहीं करती कंपनी, उन्हीं का करेगी जो सेलेक्ट होंगे, और जिसका कर दी वो सेलेक्ट हो गए तो सबको मौका मिलता नहीं, 2-3-4 लोगों को ही मौका मिलता है। बट ऐसा भी नहीं है कि सबका हो ही गया, कभी कभी फंस भी गया मामला, नेक्स्ट में हो गया, क्या हो गया नेक्स्ट में, जैसे लक्ष्य राज्य का ही बात कर लो, तो हमने तो किया था 147 में, बट फाइनली वो रिकमेंड कहाँ हुआ, 148 में। तो ऐसा भी मतलब पक्का वाला मत मान लो, कभी कभी गड़बड़ा जाता है एक आध एंट्री में। फिर इसके बाद जो है उस समय उसका चेहरा बच्चे का दिखता है, देन फिर वो SSB में जाता है, और फिर जब वो रिकमेंड होता है, और फिर जब वो आता है ना तो अलग फेस दिखता है, फिर से यार एक अलग तरह का चार में, एक अलग तरह का पॉजिटिविटी एनर्जी, फिर एक चेहरा और दिखता है जब वो जाता है एकेडमी में, और फर्स्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद फाइनली फिर बैक करता है, और जब मुलाकात होती है तो फिर अलग ही पर्सनैलिटी नज़र आती है। तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं एक बच्चे के अंदर, ये लगता था इतना छोटा सा ऐसा दब्बू टाइप का था, हर्षित वगैरह जैसे छोटे छोटे बच्चे एकदम 11th स्टैंडर्ड के, बट व्हेन दे बिकम सक्सेसफुल एंड नाउ अब उनसे मिलते हैं तो इट्स लाइक प्राउड फीलिंग, ये लगता है यार ये ट्रांसफॉर्मेशन तो केवल फौज ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। क्या ब्रिंगिंग है, माँ बाप ने क्या पाला है इस बच्चे को, छोटा बड़ा से मतलब नहीं होता बेटा, किसी भी उम्र में जो एक मैच्योरिटी, स्मार्टनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक एटीट्यूड होता है ना, वो दिखाई देता है यार अंदर से।
फादर बहुत गरीब, कैसे कैसे बच्चों का मैं एग्जाम्पल दूँ आपको जो कि ऑटो रिक्शा चलाते हैं। किसी के पिताजी केवल किसान हैं, सिंपल कुछ नहीं है, बट तब भी वो मैनेज करके यहाँ तक पहुँचाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बनेगा। तो शायद यही आशाएं आपसे भी हैं और कुछ अजूबा नहीं यार, अगर आप ठान लो जिस तरह से हम कहें बस करते जाओ, मुझे लगता है कि सब कुछ बदल जाएगा जो आप बदलना चाहते हो, और तभी मज़ा आएगा मेरे भाई।